झीरम घाटी घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए आयोग की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई पर 4 जुलाई तक रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस के जवाब के बाद 4 जुलाई को पुनः सुनवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने याचिका में कहा कि जब पहले से एक आयोग झीरम घटना की जांच कर रहा है तो नए आयोग के गठन का क्या तात्पर्य है। उसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि जब झीरम की घटना हुई केंद्र सरकार के द्वारा एक NIA का गठन किया गया और NIA के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन जस्टिस मिश्रा जी के उसमें बनाई गई एकल और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जाँच की गई। जाँच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जाँच कर ले तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए। लेकिन आनन फान जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी। जब कमीशन कोई बनाया जाता है, प्रतिवेदन आता है, तो उस पर पूरे सरकार को गंभीरता के साथ में परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है, छत्तीसगढ़ की सरकार भयभीत है और उसके कारण में आनन फानन में बनाई है। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं, सरकार की तरफ से अब जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सुनवाई टाले जाने और नेता प्रतिपक्ष की याचिका को लेकर कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा झीरम का सच सामने आने नहीं देना चाहती, बार बार जांच में अड़ंगा डालकर सच छिपाना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि झीरम का सच सामने आए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झीरम के मामले की जाँच में अड़ंगेबाजी करती है। जब ये सरकार में थे, राज्य में इनकी सरकार थी, तब ये CBI जाँच नहीं होने देना चाहते थे। जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने SIT का गठन किया तो इनकी केंद्र सरकार के माध्यम से जो NIA जांच कर रही थी, जबकि NIA ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, लेकिन NIA ने SIT को फाइल वापस नहीं किया, SIT की जांच नहीं शुरू हो पाई। उसके बाद में जब झीरम आयोग में 8 नए बिंदु जोड़े गए और षड्यंत्र की जाँच की शुरुआत हुई, उसके बाद में जस्टिस मिश्रा का ट्रांसफर होने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की। उस आयोग के कार्यकाल को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया ताकि षड्यंत्र की जांच हो सके, तो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अदालत चले गई, वहां पर इस आयोग पर रोक लगाना चाहती है। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है झीरम का सच सामने आए। भाजपा क्यों डर रही है, क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम के हत्यारों को बचाना चाहती है? तत्कालीन सरकार में बैठे हुए ऐसे कौन लोग थे जिनके हाथ हमारे नेताओं के खून से रगे हुए हैं और उसे भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए बार बार रोक लगा रही है, अदालत की शरण में जा रही है। कुछ दिनों पूर्व नगर निगम रायपुर के पार्षदों और अधिकारियों का एक दल शैक्षणिक भ्रमण पर इंदौर और चंडीगढ़ में था। दल ने वहां की सफाई व्यवस्था, बगीचों के रखरखाव समेत कई कार्यों को बारीकी से देखा और समझा। वहां से लौटकर दल ने अपनी जानकारी महापौर से साझा की। बुधवार को महापौर एजाज ढेबर ने शैक्षणिक भ्रमण टीम की जानकारियों को मीडिया से साझा करते हुए बताया कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गार्डन हैं और उनके देखरेख की व्यवस्था भी काबिले तारीफ है। इसी तरह इंदौर के बारे में उन्होंने कहा कि वहां दिन भर में 3 बार सफाई की जाती है, मवेशी सड़कों पर नहीं घूमते, इसलिए सफाई व्यवस्था के मामले में इंदौर नंबर 1 पर है। महापौर ने कहा कि भले ही हम आज 6वें स्थान पर हैं, पर आने वाले समय में रायपुर भी नंबर 1 पर होगा। इंदौर में हमने कचरों का प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ की स्वीपिंग मशीन, वहाँ का जो 3 पाली में सफाई होता है वो, वहाँ का STP, वहाँ का निष्पादन, वहाँ पर हर चीज़,
हमने वहाँ पर इंदौर में हमने देखी, इंदौर में चाहे फ्लैक्स को लेकर देखो, फ्लैक्स बिल्कुल नहीं है, आवारा पशु नहीं है, कई सारी चीज़ वहाँ पर हम लोग को देखने को और सीखने को मिली। चंडीगढ़ में भी हमने देखा कि पानी का किस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एसटीपी में 1800 गार्डन, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा गार्डन चंडीगढ़ में है। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग ने इंदौर और चंडीगढ़ और मोहाली में हमने देखी। निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम पूरे सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठा बैठ के इसकी एक प्लानिंग करके आप लोगों को रायपुर शहर में दिखाई देगा। और जो हम एनजीओ से वो लोग मदद लेते हैं या फिर जो वहाँ के जो जन आंदोलन जो चलता है वो रायपुर में भी चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रायपुर में भी आप लोगों को ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो दिन दूर नहीं कि हम भी जो है रायपुर शहर भी हमारा नंबर वन रहेगा। राजधानी रायपुर में लगातार पेट्रोलिंग और बेहतर पुलिसिंग के बावजूद लूटपाट और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं। थानेदारों और नगर पुलिस अधीक्षकों की बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि अपराधियों और चाकूबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने राजधानी को अपराध मुक्त करने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने पेट्रोलिंग गश्त और बढ़ाने के निर्देश भी दिए। रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और उनसे संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है। कुछ एक प्रकरण जो पेंडिंग है, कुछ एक प्रकरण जिनका डिटेक्शन नहीं हो पाया है, 302 के कुछ दो केस हैं, 354 376 के कुछ केस हैं जिनमें अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, उसकी समीक्षा की गई है, उसको लेकर डायरेक्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ एक क्षेत्रों में चोरी को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। खरोरा में, तिल्दा, नेवरा एरिया में कुछ जगह पे चोरियां हुई हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके ताकि चोरियां और कम हो और पुरानी चोरों को डिटेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।